नमस्कार, मैं रमेश गोयल, मामा मारिच। गया दर्पण चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। चूंकि लॉकडाउन धीरे धीरे कम हो रहा है और कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम 6 फीट डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मुंह पर मास्क लगाएं। मगध प्राइवेट कोचिंग संघ ने कोचिंग संचालकों के मुआवजे को लेकर बैठक की। पिता महेश्वर क्षेत्र में निजी आवास पर मगध प्राइवेट कोचिंग संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र स्वराज ने की। बैठक में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट से भुखमरी के कगार पर पहुंचने की बात की गई। बैठक में कोचिंग संचालकों ने संपूर्ण तालाबंदी के दौरान कोचिंग संचालकों को उचित मुआवजा दिए जाने, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का कम से कम 5 माह का किराया माफ किए जाने, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का 5 माह का बिजली बिल भी माफ किए जाने व अन्य मांगों के साथ साथ बच्चों के 5 माह के फी को माफ किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 से कोचिंग संस्थानों में संचालन करने की अनुमति दी जाए। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ शासन प्रशासन सरकार से कि हम प्राइवेट शिक्षकों पर भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग प्राइवेट शिक्षक कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। हम लोग प्राइवेट शिक्षक होने के बावजूद भी हम लोग को डी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कहा गया, हम लोग ने रजिस्ट्रेशन लिया। हम लोग को NOC लेने के लिए कहा गया फायर डिपार्टमेंट से, हम लोगों ने NOC लिया। हम लोग को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए कहा गया, हम लोग वहाँ से ट्रेड लाइसेंस लिए। साथ ही साथ हमने जितने भी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ हुए कोचिंग चलाने के लिए, सरकार के आदेशों का पालन हम लोग अविलंब करते हैं और तहे दिल से करते हैं, तन मन धन से करते हैं। तो आज हम लोग जो मुसीबत में फंसे हैं, तो मैं सरकार से यही आशा करता हूं कि सरकार हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड कोचिंग का हैं, हम लोग अवैध नहीं हैं, हम लोग वैध रूप से कोचिंग चलाते हैं। हम लोग की टोटल जो जीविका चलती है वो कोचिंग के अर्निंग से ही चलती है। लगभग 4 महीना होने को है और अभी तक 1 भी रुपया हम लोग कोचिंग से नहीं कमाए हैं। ठीक है, स्थिति ऐसे आ गई है कि बहुत से प्राइवेट शिक्षकों के बच्चों के स्कूल में फी मांगे जा रहे हैं, नाम कटने की बारी आ गई है। तो बस यही चंद शब्दों को। हाँ, पिछले 3 महीनों से जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं और सरकार की तरफ से कोई भी रियायत या कोई भी पैकेज की अनाउंसमेंट इस संबंध में नहीं किया गया। जैसा हम सब जानते हैं कि हम सब शिक्षकों का एकमात्र सहारा हमारा कोचिंग संस्थान होता है, और इस लॉकडाउन के दरमियान हमारा सारा का सारा कोचिंग संस्थान जब बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सब ही ऐसे कगार पे आए हैं जहां हमारे पास अर्निंग के कोई स्रोत नहीं बचे। ऑब्वियस सी बात है, 3 महीने में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनकी आमदनी कुछ भी ना होने की वजह से हालात ऐसे आ चुके हैं कि वो कर्ज लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान की जब भी बात आ गया करती है तो ऑब्वियस सी बात है इनका जुड़ाव शिक्षण माफियाओं से किया जाता है, बट सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ शिक्षण माफिया जो बड़े बड़े होते हैं वैसे ही सिर्फ शिक्षक अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमारे पास छोटे शिक्षक भी अवेलेबल हैं जिन पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, बट सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान आज तक नहीं।